नरेश की हरकत पे खून खौल रहा है मेरा। जी तो चाहता है जाके उसका गला पकड़ लूं, लेकिन क्या करूं, हाथ बंधे हुए मेरे। धर्म जी, मैंने आपको गलत समझा, इसके लिए बहुत माफी चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ? रूपा ने मुझे आपकी जिम्मेदारी के बारे में सब कुछ बता दिया। थैंक गॉड, एक बोझ तो हल्का हुआ। आपका ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगा मुझे। नरेश हमें यहाँ ढूंढता रहेगा और हम लोग बंबई में होंगे। That's nice. लेकिन धर्म जी, क्या हम रूपा को साथ नहीं ले जा रहे? रूपा को क्यों, वो यहाँ आराम से है, महफूज है। लेकिन अकेली लड़की, बच्चा, उसका खर्च, देखभाल। Don't worry, it's taken care of. धर्म जी, आपके दिल में सबके लिए कितनी दया है। ओहो, क्या हुआ तुम्हें, आज बड़े बड़े अल्फाज बोल रही हो तुम। दया बरखा, अपनों के लिए दया नहीं, प्रेम होता है। जिस तरह गर्ज लेती है देती नहीं, उसी तरह प्रेम देता है लेता नहीं। You're really a very nice person. I really like you. I'm flattered, madam. And you're really a very beautiful lady. I'm flattered too, thanks. चले। चले। हाँ कमिश्नर साहब, आप बड़ी जल्दी आ गए। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, नहीं आप वहीं पुलिस स्टेशन में रहिए, मैं अभी आया, बस अभी फौरन। साहब मैं टैक्सी ले। हाँ ले आओ। मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तुमने क्या किया नरेश, पागल हो गए थे क्या? हाँ कमिश्नर साहब, बरखा के खिलाफ तो मेरा दिल पहले ही उबल रहा था, उसको धर्म के साथ देखा तो मैं सचमुच पागल ही हो गया। देखो नरेश, जो होना था सो हो गया। अब एक काम करो, तुम वापस बंबई जाओ और जाकर कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे करो जिसे साबित हो कि तुम मुंबई से बाहर गए ही नहीं। इट इज सीरियस, वेरी सीरियस। हेलो इंस्पेक्टर नैना, मैं रहा। बरखा कैसी हो तुम? क्या? हाँ नैना, पहले गला घोट के मारने की कोशिश की, हरप कार के नीचे कुचल लेगी। ओह माय गॉड, फिर मैं बच गई, धर्म जी ने मुझे बचा लिया। नहीं नहीं, वो भी ठीक है, सर पे मामूली सी चोट आई है। अरे हाँ नैना, माँ को मत बताना, घबरा जाएगी। वैसे हम लोग आज ही बॉम्बे वापस आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड, लेकिन देखो होशियारी से आना। अच्छा बाय द वे, तुमने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा था? हाँ धर्म जी ने देखा था, नरेश चला रहा था। नरेश? ओके बाय। डैम यू नरेश मल्होत्रा। कल मुकदमे की तारीख है, सच और झूठ का फैसला होना है। भगवान करे सच पर कोई आंच ना आए। चिंता मत करो, सब ठीक होगा, अब वो नहीं बचेगा। धर्म जी, पता नहीं क्यों
मुझे बहुत डर लग रहा है। बेगार किसी को बताया, दो रोज से गायब है, फोन तक नहीं किया, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं बताती हूँ आपको कि मिस्टर नरेश मल्होत्रा कहाँ है। नैना तुम्हें कैसे मालूम? बरखा ने मुझे फोन पर बताया था कि नरेश महाबलेश्वर पहुंच चुका है और वहां जाकर उसने बरखा पर दो बार कातिलाना हमला किया। ये क्या कह रही हो तुम? अब कैसी है मेरी बहन? वो बच गई, धर्म जी ने उसे बचा लिया। नैना होश में तो हो तुम? मैं तो होश में हूँ, लेकिन आप अभी तक होश में नहीं आए। मिस्टर अशोक मल्होत्रा, योर ब्रदर इज अ क्रिमिनल। ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। सरासर झूठ बोल रही है बड़े भैया, हर रोज एक नया झूठ, नई मक्कारी, नया इल्जाम। अच्छा तो फिर बताइए ना कि दो रोज से आप कहाँ थे? यही मुंबई में। और कहाँ? मुंबई में ना, ऑफिस में ना, घर में। तो फिर कहाँ? बड़े भैया आप भी होटल में था ना दोस्तों के साथ, शायद मेरे पास बिल भी होगा होटल का। वन मिनट, हाँ ये देखिए। बड़े अफसोस की बात है ना, एक जिम्मेदार ऑफिसर होकर इतना बड़ा झूठ। झूठ और सच का फैसला अभी हो जाता है। अब बरखा से ही बात कर लीजिए, मैं फोन लगाती हूँ। कीप ऑफ द टेलीफोन, ये हमारा घरेलू मामला है। नरेश भैया हाथ हटाइए और इसे फोन करने दीजिए। भैया तुम्हें क्या फर्क पड़ता है नरेश, ये हमारा आपसी मामला है, फोन करो। हेलो एक्सचेंज, गिव मी महाबलेश्वर नंबर 332 प्लीज। हेलो होटल हिलटॉप, गिव मी रूम नंबर 9 प्लीज। रूम नंबर 9 में तो कोई भी नहीं है। व्हाट? लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी उनसे बात हुई थी। क्या आप मिस्टर धर्म चोपड़ा और बरखा मल्होत्रा के लिए पूछ रही हैं? हाँ हाँ, धर्म जी और बरखा, उन्हीं की। सॉरी मैडम, वो तो यहाँ से चले गए। कहाँ गए, कुछ बता गए वो? ये तो हमको मालूम नहीं। होटल छोड़ गए वो लोग। सुन लिया आपने, पता चल गया ना कि सच क्या है और झूठ क्या है। अरे ये झूठी, इनका इल्जाम झूठा, और तो और ये फोन लगा रही थी ना वो भी झूठा। ऐसे ही कोई नंबर घुमा के हमको उल्लू बना रही थी सबको। गेट आउट, जाओ दरवाजा खुला है। ये दरवाजा मेरे लिए हमेशा खुला रहेगा मिस्टर नरेश मल्होत्रा, लेकिन कल जो सलाखों का दरवाजा तुम्हारे मुंह पर बंद होने वाला है ना, वो 15 साल तक नहीं खुलेगा। कल मुकदमे की तारीख है और तुम्हारी आजादी का आखिरी दिन। कल और आज के बीच 24 घंटे हैं। अगर इस दौरान तुमने अपनी जान बचाने के लिए बरखा पर दोबारा हमला किया ना, तो याद रहे आई एम वॉचिंग यू मिस्टर नरेश मल्होत्रा एवरी स्टेप ऑफ द वे। मुझे तो नैना की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। पता नहीं ये इल्जाम सही है या गलत, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है ना, तो ये अच्छा नहीं हुआ है। भाभी आप अच्छी तरह जानती हैं कि नैना आजकल मेरी जानी दुश्मन है, उसने इल्जाम लगाया और आप मान गई, ये तो हद हो गई। नरेश मैं तुम्हारी तलाश में सब होटलों में जा चुका हूँ, उन होटलों में से एक होटल का ये बिल है जो झूठा है। ये बिल झूठा नहीं है भैया, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। फिर भी अगर आपको नैना की बातों पे इतना ही यकीन है, then suit yourself. What can I do? नरेश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ गए? इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। वो झूठ है, मैं सच जानना चाहता हूँ। हुकुम मत चलाइए मुझ पर, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। तो मेरे छोटे भाई तो हो? वो एक इत्तेफाक है। तुम गुस्ताखी कर रहे हो। और आप ज्यादती। किसमें ज्यादती की क्या बात है? पिछले 2 दिन आप कहाँ थे ये बताने से आपको इनकार क्यों है? मेरी छोटी बहन की जिंदगी पे हमला हुआ है और उसका इल्जाम आपने किया, क्या ये बात पूछने का भी हमें हक नहीं है? नहीं, आप दोनों कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, क्या कभी पूछा है मैंने? क्या मुझे बता कर जाते हैं कि यहाँ थे हम? आए दिन 50 एक्सीडेंट होते रहते हैं, कहीं कुछ हो गया होगा तो इसमें मुझे क्यों लपेटा जा रहा है? नरेश हम तुम्हें गुनहगार नहीं मान रहे और ना मानना चाहते हैं, मैं सिर्फ सच सच ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ गए थे। सच वही है भैया जो मैंने आपसे कह दिया है, पीरियड, दैट्स ऑल। अब आप यहां से जाते हैं या मैं जाऊं? चलिए यहां से, ये फिर बदतमीजी पे उतर आए। देवयानी नरेश को समझा देना, मेरी बर्दाश्त और उसकी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। चलो करो। कितना सच है तुम्हारे झूठ में? वो झूठी है
इतना ही सच है। तो महाबलेश्वर मुझे ये कह के गए थे कि तुम उससे समझाने जा रहे हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वही तो करना चाहता था और मैंने उसका कॉटेज ढूंढ भी निकाला था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे। थक हार कर मैं लौट आया। सच कह रहा? हाँ बिल्कुल सच। ठीक है मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली और नैना ने जो कहा है वो सच निकला तो याद है ना मैंने क्या कहा था? हाँ याद है, और तुम्हारी धमकी भी याद है, और उस नैना की बच्ची का भी मुझे हिसाब चुकाना है। ऐसा हिसाब चुकाऊंगा कि 7 जन्मों तक वो मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सके। टेक इट इजी नरेश, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का हक दिया करते हैं। आई नो या चीयर्स। बोलो क्या समस्या है? वो इंस्पेक्टर मेहरा की ट्रांसफर तो हुई नहीं। होगी भी नहीं। व्हाट? ये समझ लो कि वो हमारी चाल खटाई में पड़ गई। ब्लडी हेल, लेकिन उसका हमारे रास्ते से हटना बहुत जरूरी है कमिश्नर साहब। हट जाएगी। वो कैसे? देखो नरेश, हमारी वर्दी की जेब में कोई दफाएं ऐसी होती हैं जो ताजीरा हिंद में नहीं है, लेकिन वक्त आने पर वो ताजीरा हिंद की दफाओं से बेहतर काम करती है। ये समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। What the hell is this? ये एक पुलिस इंस्पेक्टर का घर है, कोई स्मगलर का गोडा नहीं जहां तुम सर्च करने आए हो। ये रहा सर्च वारंट। You must be out of your mind. नीना बेटी ये क्या है? ये कैसा मनहूस दिन देखना पड़ रहा है? हमारे घर की तलाशी? नहीं बेटी नहीं। डैडी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, इन्हें तलाशी लेने दीजिए। चलिए आप लोग तलाशी ले सकते हैं। राम सिंह ड्यूटी कर रहे हैं और आप उसमें दखलंदाजी ना करें तो बेहतर होगा, वरना एक केस और बन जाएगा, समझे आप? इंस्पेक्टर नैना, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, मैं ऐसा हरकत नहीं करूंगा। हम निर्दोष हैं, मेरी बेटी निर्दोष है। और आप ले जाएं। आपको पेड़ लगाने का बहुत शौक था ना इंस्पेक्टर नैना। चले आइए। नहीं छोड़ दो मेरी बेटी को। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेरा की बेटी हथकड़ी में। नहीं छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, आप जीप में नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ पैदल चलेंगे पुलिस स्टेशन। ये आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या कोई जाती दुश्मनी? इसे आप जाती दुश्मनी भी समझ सकती हैं या फिर अपनी बदकिस्मती। चलें। हेलो सो, हो गया ना हिसाब बराबर इंस्पेक्टर नैना मेहरा? वैसे ये तो हिसाब की पहली इंस्टॉलमेंट ही है, अभी तो सलाखों वाला दरवाजा आपके मुंह पे बंद होना बाकी। और कितने साल कहा था आपने? 15 साल ना? Get out of my way before I spit on you. लड़ी, बहुत दम है इन बाजुओं में, जरा यहाँ हाथ उठाकर देख। मुझसे टकराने की कोशिश मत करना बेल जी, बहुत पछताओगे। भगवान सबका भला करे। बेल जी भाई बस प्लीज।
नरेश जी, हमारे काम में दखल मत दीजिए, जाइए यहाँ से प्लीज। लड़ी हेल, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरा नाटक समझ में आ गया। कल मुकदमे की तारीख है ना, फिक्र मत करना, यूं छुड़ा के लाऊंगा तुम्हें, यूं चले। मेरी हेलो, ये डॉक्टर शाह बेन जी, मैं बोलू छू, तुम्हें जरा मेरा साहब ने त्या आज ना, नहीं समझा तो नहीं लगे कि हमने हार्ट अटैक आयो। ओके थैंक यू। इंस्पेक्टर मेहरा, अरे इन नाजुक हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियों की जगह हथकड़ी। इंस्पेक्टर ये क्या बदतमीजी है? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं कमिश्नर साहब, इनसे कहिए कि सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर दे, मुझे लॉकअप में बंद कर दे। हमने आपकी हर ख्वाहिश की इज्जत की है, ये तमन्ना भी आपकी पूरी कर देगा। वैसे अगर कुछ आपस में बातचीत हो जाए तो ये मामला रफा दफा हो सकता है। नरेश के केस को झूठा साबित करने के लिए मैं आप लोगों की मदद करूं, यही ना? समझदार, इशारा समझ जाती है। इंस्पेक्टर इनकी हथकड़ी खोल दो। आइए। विस्की वही, ग्लास वही, हम भी वही, पर आज जितना मजा इस शराब में आ रहा है बहुत दिनों से नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शराब में शहद घोल दी हो। शोले भड़क रहे थे अंदर, शोले आज जाके ठंडक पहुंची कलेजे में। क्या कहा था हमने तुमसे देवयानी, कि जब तक हम जिंदा हैं हम ये जंग हारेंगे नहीं, और आज देखो, आज हल्दी घाटी पे हमारा झंडा लहरा रहा है, नरेश मल्होत्रा का झंडा। क्या रह गया दुश्मनों की मुट्ठी में, हाँ? कुछ टूटे हुए ख्वाब जो अब कभी पूरे नहीं होंगे? क्या क्या समझा दो उस बरखा को, कह दो उस बेवकूफ औरत से कि अब भी हार मान ले, अब भी वक्त है, और हमसे आके माफी मांग ले। आज हम शाही मूड में हैं, शायद माफ भी कर दे। मुगले आजम की तरह बोल रहे हो नरेश। मुगले आजम तो खैर नहीं, लेकिन सितारा हमारा जरूर बुलंदी पर। लगता है तुम अपना जमीर किसी अंधे कुएं में दफन करके आए हो। तुम समझ लो तुम जीत गए हो, कामयाबी मिली है तुम्हें। जरा आईने के सामने खड़े होकर देखो कि तुम्हारे इस कामयाबी के ताज में हीरे मोती लगे हैं या गुनाहों के पत्थर। क्या भग रही हो, सठिया गई हो क्या? जश्न मनाने के बजाय मातम मना रही हो। क्योंकि मेरा जमीर तुम्हारे जमीर की तरह मर नहीं गया है। एक मुद्दत से मेरी आत्मा मेरा कलेजा नोच रही है नरेश। दुनिया का कोई भी कंधा इतना मजबूत नहीं है जो अपने जमीर का जनाजा उठा सके। अभी वक्त है, इस अहंकार को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं, इससे सजा कम होगी, जो भी सजा होगी भुगत लेंगे, कम से कम अपनी बाकी बची हुई जिंदगी तो सुख चैन से गुजार सकेंगे। अपने कमजोर और बुजदिल ख्याल आप अपने तक ही रखो, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा जमीर तुम्हें नोचता है ना, तो तुम जाओ हरिद्वार और बजाओ खड़ताल। लड़ी हेल, तो जाते जाते एक अच्छा काम कर जाओ, परखा को समझाओ, उससे कहो कि सूखी नदी में नाव चलाने की अब और कोशिश ना करे, उसका मुकदमा खत्म हो चुका है, कल अदालत ना जाए।